अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। मैंने फैक्टराइजेशन समझाने के लिए जिस बुक का रेफरेंस लिया है वो है 9th क्लास की बुक चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। फैक्टराइजेशन में आपको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके के मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे कि कहीं कुछ क्वेश्चन में कभी कभार कुछ फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन हो रही होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूलाज हैं आप जानते हैं। अगर मैं लिखूं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और इसी की तरह सिमिलर फॉर्मूला, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है लेकिन ये प्लस के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसी तरह ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा रेफरेंस पुराने फॉर्मूलाज का लेना होगा। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है मोस्ट कॉमनली जिसे हम यूज करते हैं वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह हम लिख देते हैं। अभी इस चैप्टर में जो है हमें बस इन्हीं तीन फॉर्मूलाज की नीड है जो फैक्टराइजेशन में करवा रही हूँ, तो आप लोग इन तीन फॉर्मूलाज को जो है मेमोराइज कर लें। थोड़ी देर वीडियो रोक के मेमोराइज कर लेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी, या फिर आप लोग पहले इसे लिख लें कहीं और फिर आप समझें इन चीजों को। अच्छा, इन फॉर्मूलाज के अलावा ना सबसे पहला काम जब भी हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है कि हम चेक करें कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कोई कॉमन वैल्यू तो नहीं निकल रही। कॉमन वैल्यू सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि कॉमन वैल्यू निकल रही हो। कॉमन वैल्यू अगर निकल रही हो तो पहले आप उसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर कॉमन वैल्यू नहीं निकल रही है फिर आप देखेंगे सबसे पहले ये तीन बेसिक फॉर्मूलास कि ये तो अप्लाई नहीं हो रहे। अगर ये भी अप्लाई नहीं हो रहे होंगे तो आपको पता है और भी फॉर्मूलाज हैं, क्यूब के फॉर्मूलाज हैं और इसी तरह के और फॉर्मूलाज हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देखें कि हमें क्या करना चाहिए फैक्टराइज करने के लिए। अगर नोटिस करें आप तो इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, आपको जस्ट कॉमन लेना है। इन सब में क्या चीज कॉमन है? फोर। क्या कॉमन है? फोर कॉमन है, तो आप क्या करें, फोर कॉमन ले लें। अच्छा, एक्स वेरिएबल यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, तो आप इनमें से किसी भी चीज को कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो आपने फोर कॉमन ले लिया और आपके पास यहाँ बचा 4 1 4 1 है, तो हम एक्स ऐसे लिख देंगे, 4 4 16, 4 लिखेंगे यहाँ और वाई लिखेंगे, और 24 है तो 4 6 24, यहाँ 6 लिखेंगे और जेड लिखेंगे। इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखें हम, तो इस क्वेश्चन में देखें आप क्या कॉमन निकल रहा है। कोई नंबर कॉमन नहीं निकल रहा। 3 अपनी ही टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 2 यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब है कि आप क्या करें कि इसमें से वेरिएबल कॉमन लें। इनमें से कौन सा वेरिएबल कॉमन निकल रहा है? एक्स, और वो भी कितने, सबके पास मिनिमम एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो आप सबके पास जो चीज़ होती है वो कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कुछ नहीं बचा, एक्स स्क्वायर पूरा गया तो 1 मेंशन करते हैं, और यहाँ पर आप 3 मेंशन करेंगे और वाई मेंशन करेंगे, और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे 4 वाई स्क्वायर और जेड, ठीक है। और एक बात बता दूँ, कॉमन वो होता है जैसे मुझे 3 बच्चों से पैसे कलेक्ट करने हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन लेनी है, और मुझे एक ही तरह की कंट्रीब्यूशन लेनी है, तो मैंने सबसे पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो मुझे किसी ने कहा 50 रुपए है, किसी ने कहा 100 है, किसी ने कहा 200, तो मुझे तीनों से एक जैसी कंट्रीब्यूशन लेनी है, तो मैं 50 रुपए जो मिनिमम वाला है ना वो ले लूंगी कि तीनों 50 रुपए मुझे दे दें, तो ये इस तरह कॉमन ले लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है इनकी तरह, 4 भी सिमिलर है लेकिन मैं फिर भी करवा रही हूँ, 3 आप लोग खुद कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास देखें 3 जो है वो तीनों वैल्यू के पास है, तो आप 3 कॉमन ले लेंगे, और पी क्यू, पी क्यू और पी क्यू ये सबके पास कॉमन है, तो ये आप कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर आपके पास जो है वो रिमेनिंग बचा है, और यहाँ पर आपके पास टी रिमेनिंग बचा है, और यहाँ पर आपके पास एस रिमेनिंग बचा है, ये आपका आंसर हो गया कॉमन मेथड।
एक ना मैं फ्रैक्शन वाला कॉमन मेथड भी करवा देती हूँ आपको, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। फिर हम आगे चलते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। इस क्वेश्चन में आपके पास फ्रैक्शन में भी वैल्यू दी हुई, जब आपको अगर फ्रैक्शन में भी वैल्यूज दी हुई हों तो आप क्या करेंगे कि ऊपर जो भी कॉमन निकल रहा है निकाल लेंगे अलग से, और नीचे जहाँ नंबर्स हैं या अल्फाबेट हैं, जो भी कॉमन निकल रहा है आप नीचे से भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों में क्या कॉमन निकल रहा है, इन तीनों में कॉमन निकल रहा है जेड स्क्वायर, और आप ये देखिए कि एक्स भी एक एक तो है सबके पास, तो एक्स। और नंबर पे अगर हम देखें क्या कॉमन निकल रहा है, तो नंबर के हिसाब से 16, 8, 12 मिनिमम नंबर जो है ये 16, 8, 12 किस टेबल में आता है, ये आता है 4 के टेबल में। अगर हम 2 के टेबल से करेंगे ना तो ये मैक्सिमम नहीं निकल पाएगा, तो हमें मैक्सिमम नंबर लेना होता है कॉमन में, तो हम 4 के टेबल चूज करेंगे। 4 2 8, 4 4 16 और 4 3 12। तो हमारे पास अब क्या रिमेनिंग बच रहा है, यहाँ से बच रहा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1/16 है ना, तो 4, क्योंकि हमने जो कॉमन लिया है ना यहाँ पर वो हमने कॉमन लिया है 4। और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास x एक सिंपल, और बस जेड स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, और फ्रैक्शन में बच रहा है हमारे पास 2। ठीक है, और यहाँ पर बचा हमारे पास एक्स और जेड दोनों, क्योंकि यहाँ पर जेड ना क्यूब में है तो स्क्वायर गया है, तो हमारे पास 1 जेड बच जाएगा, और नीचे बचा हमारे पास 3। अब देखिए 3 अलग नंबर है, 2 और 4 तो 2 के टेबल में आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, इस वजह से हम मैक्सिमम इतना ही कॉमन ले सकते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1 फैक्टराइज द फॉलोइंग जो है वो कंप्लीट हो गया। बल्कि नहीं, एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, फिर कंप्लीट होगा। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है नंबर्स ब्रैकेट में दिए हुए हैं, वेरिएबल जो है हमें ब्रैकेट में दिए हुए हैं, तो कोई मसला नहीं है अगर हम पूरा ब्रैकेट एक साथ कॉमन ले लें तो हम ले सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते कि इनमें से एक्स कॉमन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स माइनस वाई का ब्रैकेट होता और ये एक्स माइनस जेड का ब्रैकेट होता, तो हम कॉमन नहीं ले सकते, इवन इंडिविजुअल एक्स को भी कॉमन हम नहीं ले सकते। तो अभी हम कॉमन ले सकते हैं। हम किस तरह कॉमन लेंगे कि एक तो ये ए कॉमन है सबके पास और एक ये ब्रैकेट, तो हम ए और ये एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे। फिर हम ये कर्ली ब्रैकेट शो करेंगे, और यहाँ पर तुमने फुल कॉमन लिया है तो ये वन आएगा, यहाँ पर एक ए हमारे पास बच रहा है, और यहाँ एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर हमारे पास है एक बी स्क्वायर और एक ए, तो ए और बी स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई यहाँ नहीं बचा है क्योंकि स्क्वायर नहीं था इस पर, सिंगल था, और यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई नहीं बचा है। तो हमारा आंसर जो है वो हो गया ए एक्स माइनस वाई, 1 - a a b² मुझे लगा यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अगर स्क्वायर होता तो एक कॉमन जाता और एक यहाँ पर बच जाता। यहाँ पर ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ये माइनस का साइन है। क्वेश्चन कंप्लीट। जब ये ब्रैकेट नहीं आया ना, तो हमारे पास ये भी कर्व ब्रैकेट बनेगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 इजी था क्योंकि सब क्वेश्चन कवर नहीं हो कर सकते, वीडियो बहुत लंबी जाती है, आप लोग बोर हो जाते हैं, तो हमें अहम अहम क्वेश्चन कवर करने हैं। अगर फिर भी आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगी। यहाँ पर भी कॉमन मेथड ही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक तो 4 वैल्यू है, उसके अलावा यहाँ देखिए इस पे स्क्वायर नहीं है, इस पे स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास कॉमन मेथड अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसमें हम जो कॉमन मेथड अप्लाई करेंगे वो करेंगे दो दो करके, क्योंकि देखिए सबके साथ एक साथ कॉमन नहीं निकल रहा। अगर ए यहाँ है स्क्वायर में तो यहाँ नहीं है, तो मतलब आप इसमें और जो टेबल है वो भी अलग अलग यूज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2 इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 और 18 किस टेबल में एक साथ आते हैं। सबसे मैक्सिमम टेबल लेना होता तो आप पहले छोटे वाले नंबर को देखें कि क्या 9 जो है उसके टेबल में 18 आता है। हाँ, 9 के टेबल में 18 आता है, तो आप 9 को कॉमन ले लें। अगर नहीं आ रहा होता तो फिर हमें इससे कोई छोटा टेबल देखना होता है, जैसे यहाँ पर अगर 8 और 18 होता तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते थे, किसी और टेबल से करते, 8 और 18 2 के टेबल से होता। ठीक है, अब यहाँ पे 9 और 1 ए और बी कॉमन है, 9 ए
और बी कॉमन है, तो ब्रैकेट में बस क्या बचा, एक ए यहां पर बचा और यहां पर हमारे पास है प्लस 9, 9 2s are 18, 2 2, ए ए तो हमने कॉमन ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा यहां पर। अब यहां पर क्या कॉमन है, 6 और 12 किस टेबल में एक साथ आते हैं, पहले हम मिनिमम टेबल देखेंगे, 6 के टेबल में 12 आता है, हाँ 6 के टेबल में 12 आता है, तो हम 6 को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन है सी, तो हम सी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए और यहाँ 6 2s are 12, 2 और बी, सही। अच्छा अब ना आप देखें कि ये वाला सेट और ये वाला सेट फर्दर कॉमन निकल रहा है इन दोनों वैल्यूज में से, तो हम क्या करेंगे, इस सेट को भी कॉमन ले लेंगे, ए माइनस 2b और ये बचा इसमें और ये 6c, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन ना मैं सॉल्व कर रही थी, रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसकी पिक्चर मैंने ले ली है, इसमें कॉमन ले रहे हैं लेकिन ऊपर अगर आप देखें ना तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो इन्होंने सिर्फ 1 कॉमन लिया है और फ्रैक्शन में इन्होंने 4 कॉमन लिया है, इसी तरह दूसरी वैल्यू में इन्होंने जेड स्क्वायर और टी को कॉमन ले लिया है और फिर 9 जो है डिनोमिनेटर से 9 कॉमन आ रहा है और फिर दोबारा जो फर्दर कॉमन है ना, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर जेड और 1 प्लस जेड, तो इस डिफरेंस की वजह से हमने इसमें दोबारा जो है कॉमन नहीं लिया। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर मुकम्मल हो गया, आपको फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला पर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।